नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष को आधार मानकर 29 सितंबर को खेले जाने वाले मैच का पूर्वानुमान। 29 सितंबर 2020 को खेला जाने वाला 2020 मैच अबू धाबी में दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। जब ये मैच शुरू होगा तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में लग्न होगा मेष। ग्रहों की जो स्थिति होगी वो इस प्रकार से होगी, लग्नेश लग्न में होंगे और चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। शनि ग्रह स्वराशि के दशम भाव में होंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के भाग्य स्थान में गोचर कर रहे होंगे। ग्रहों की यह स्थिति दर्शाती है कि मैच के दौरान ग्रहों का समर्थन दोनों ही टीमों को बराबर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कप्तान और उनकी टीम के मुख्य खिलाड़ियों की ग्रह दशाओं का आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि ये ग्रहों का पूर्वानुमान है और मुख्य खिलाड़ियों की अनुमानिक जन्मतिथि के आधार पर हमने इस मैच का पूर्वानुमान किया है। यदि पहले मैं दिल्ली की टीम के कप्तान की बात करूं तो उनकी जन्मतिथि और अनुमानिक जन्म समय के हिसाब से ग्रहों का समर्थन आज उनके पक्ष में मध्यम दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की बात की जाए तो ग्रहों का समर्थन उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। ये सभी खिलाड़ी अनुभवी हैं और इनको कई मैच खेलने का अनुभव है। ये मैच के परिणाम को बदल भी सकते हैं। अब यदि मैं दूसरी टीम यानी कि हैदराबाद की टीम की बात करूं तो उनके कप्तान की जन्मतिथि और अनुमानिक जन्म समय के हिसाब से ग्रहों का समर्थन आज उनके पक्ष में मजबूत दिखाई दे रहा है। जहां तक उनके साथी खिलाड़ियों की बात है तो उनकी ग्रह दशाओं का समर्थन भी आज मजबूत दिखाई दे रहा है। ये मैच काफ़ी रोमांचक रहने वाला है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होगा। उतार चढ़ाव के बीच यदि ग्रहों का समर्थन इसी प्रकार रहता है तो इस मैच का आखिरी जो पल होगा वो हैदराबाद की टीम के पक्ष में दिखाई दे रहा है, यानी कि हैदराबाद की टीम इस मैच के परिणाम को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो सकती है। तो ये था 29 सितंबर 2020 को खेले जाने वाले मैच की भविष्यवाणी। मैं एक नए मैच का पूर्वानुमान लेकर पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।